पहले हम बना लेते हैं एक ऑक्स का पोर्ट, जिसमें आपका वो ईयरफोन लगेगा। तो उसके पोर्ट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली ले लो एक सिलेंडर, सिलेंडर ले सकते हैं आप, क्लिक एंड ड्रैग, ये हो गया आपका सिलेंडर। इसके हाइट सेगमेंट अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो यहाँ नीचे आपको हाइट सेगमेंट मिल जाएंगे, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। देन उसके बाद फिर राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ताकि आप इसके वर्टेक्सेस, एजेस, ये चीज़ें सेलेक्ट कर पाओ। तो एक ऊपर के सारे एजेस सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल्ट के साथ डिसेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ आपका डिसेलेक्ट होता है, ताकि आपके सिर्फ ये रिंग वाले एजेस ही सेलेक्ट हों। आर के साथ इसको थोड़ा सा पतला करते हैं कुछ ऐसे, ठीक, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ ये डिसेलेक्ट, ये डिसेलेक्ट, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कुछ, देन इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ डिसेलेक्ट 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 एंड इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये कुछ ऐसा पोर्ट बन गया आपका उसके लिए। अब इसको छोटा करते हैं, इधर से भी हाइट कम कर देते हैं इसकी कुछ ऐसे और छोटा, ठीक। इसको आप सेलेक्ट करो, ई के साथ रोटेट करो 90 डिग्री एंड डब्ल्यू के साथ आप इसको मूव करोगे एंड यहाँ पे ले जाके रख दोगे जहाँ पे भी आपको ये पोर्ट बनाना है, ठीक। कुछ इधर साइड में हमें चाहिए तो इधर साइड में ले जाके ऐसे रख देते हैं, ठीक। अब हमें क्या यूज़ करना होगा इस पोर्ट के लिए, बुलियन, बुलियन यूज़ करना है। तो बुलियन कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ए को सेलेक्ट करो, देन इधर जाओगे आप क्रिएट टैब में, तो इधर कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा बुलियन। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाते हैं, देन बुलियन सेलेक्ट करते हैं एंड बुलियन में जाके ऐड ऑपरेंड्स करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए में से ऑब्जेक्ट बी को हमें माइनस करना है, तो ऐड ऑपरेंड करेंगे एंड ये सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही अभी देखो क्या हो गया, यूनियन हो गया, मतलब कि ये दोनों मिलके एक सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर्म किए हैं, लेकिन हमें यूनियन नहीं चाहिए। तो उसके लिए नीचे आप जाओ, आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे सब्स्ट्रैक्ट, ठीक। सब्स्ट्रैक्ट करते ही देखो इसके अंदर प्रॉपर आपका होल हो गया एक, ठीक, उसी शेप में जो शेप हमने बनाया था। तो इसमें क्या है कि आप यूएसबी पोर्ट इजिली प्लग इन कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा ये होल यूएसबी पोर्ट के लिए। देन उसके बाद फिर आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए चाहिए, तो चार्जिंग पोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, एक चैम्फर बॉक्स ले सकते हो, ठीक। देखो दो से तीन तरीके हैं इसको बनाने के। एक तरीका है कि आप मैन्युअली बनाओ एजेस को अंदर प्रेस करके, एक्सट्रूड यूज़ करके। एक तरीका है आप ये बुलियन यूज़ करके बनाओ। तो एक तो मैंने बुलियन यूज़ करके बना दिया, दूसरा मैं एजेस यूज़ करके बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें। इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, एडिटेबल पॉली में गए एंड देन यहाँ से एजेस सेलेक्ट कर लो, इधर जाएंगे इसको फिर से सेलेक्ट करके आप एक बार एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दो, ताकि बुलियन जो है इस पे अप्लाई हो जाए, ठीक। अब क्या हुआ, बुलियन अप्लाई हो गया, वो अलग से नहीं आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक। तो अब आप प्रॉपरली इसके एजेस एंड सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट आर, ऑल्ट आर से आपका रिंग हो जाएगा, देन कनेक्ट, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो बुलियन वाला काम जो है वो लास्ट में करो, ताकि आपका वो मैसेज प्रॉपर रहे। अभी आपने बुलियन यूज़ किया तो उसकी वजह से मैसेज आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक। तो बुलियन को अभी हटा देते हैं, लास्ट में ये बना देंगे हम, ठीक। ठीक है, ये आ गया है, अभी आप लोग नहीं यूज़ करोगे इसको। इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल्ट आर, रिंग हो गया आपका, सारे साइड के एजेस आपके सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप करोगे यहाँ से कनेक्ट, ठीक। कनेक्ट करने में ये देखो आपके एजेस आ रहे हैं, ठीक। एजेस के काउंट हम इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ काउंट 2 एंड ये होती है आपके एजेस के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं एजेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक। डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आ गया आपका, ठीक। देन उसके बाद फिर इधर साइड के एज को आप सेलेक्ट करोगे, ऑल्ट आर, रिंग हो गया एंड अगेन कनेक्ट, ठीक।
कनेक्ट करके थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज कर लो आप, जितना भी आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए चाहिए। ये आ गया आपका एरिया। अब इस फेस को आप 4 प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन हम वही काम करेंगे जो हमने डिस्प्ले पे किया था, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट देते हैं। इंसर्ट को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे आ गया आपका इंसर्ट का वैल्यू इतना। देन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड आपको कहाँ करना है, अंदर के साइड में, तो अंदर के साइड में जितना भी एक्सट्रूड करना आप एक्सट्रूड कर लो। देन अगर आपको इस फेस को छोटा करना है या थोड़ा सा मेंटेन करना है तो आर के साथ आप कर सकते हो। तो ये देखो आपका चार्जिंग पोर्ट के लिए ये एरिया बन गया, ठीक है, ये एरिया आपका चार्जिंग पोर्ट के लिए बन गया। अब आप चाहो तो इसमें बुलियन यूज़ कर सकते हो। तो बुलियन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, इस पर क्रिएट, देन कंपाउंड ऑब्जेक्ट, बुलियन, बुलियन अप्लाई करते हैं, ऐड ऑपरेंड एंड देन इसको ऐड कर लो, नीचे जाओ आप एंड सब्सट्रैक्ट कर दो। हो गया आपका ये प्रॉपर, ठीक है। तो ये एरिया आपका इतना प्रॉपर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपको और क्या क्या चीज़ें बनानी है, उसी हिसाब से आप इसको और ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो, ठीक। जैसे कि साइड साइड में आपके बटन्स रहेंगे, तो बटन्स के लिए आप चाहो तो इसमें से निकाल सकते हो एक्सट्रूड करके एजेस डाल के, अदरवाइज आप अलग से भी लगा सकते हो। तो मैं इस केस में अलग से लगाना प्रीफर करूँगा, क्योंकि बटन पे भी मैं थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्सचर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट एंड देन देख लो आपको किससे बनाना है। अगर आपको कैप्सूल से बनाना है तो आप ये एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाओगे। अगर आपको सिलेंडर से बनाना है या फिर आप और भी कई चीज़ों से ट्यूब से बना सकते हो, ठीक। तो जिससे भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप अपना सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में, कैप्सूल ले लेते हैं सिंपल एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, ये आ गया आपका। एंड आर के साथ इसको फ्लैट कर देंगे, साइज इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, इधर से भी, ठीक। ई के साथ इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री एंड डब्ल्यू के साथ इसको मूव करके प्रॉपरली प्लेस करते हैं कुछ इधर। ये आ गया आपका एक बटन इधर, ठीक, ये आपका एक बटन इधर प्लेस हो गया। शिफ्ट के साथ इसको कॉपी कर दो आप, एक इधर हो गया, ये दोनों आपको वॉल्यूम बटन्स हो गए। देन उसके बाद फिर अगर आपको पावर बटन चाहिए तो पावर बटन के लिए आप इसको नीचे भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ प्लेस, अदरवाइज दूसरे साइड भी आप पावर बटन लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कहाँ चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका पावर बटन, ठीक। तो ये आपका सिंपल एक मोबाइल का मॉडल हो गया, ठीक, जिस पर आप अलग अलग टेक्सचर कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल सिंपल कलर्स डाल दे रहा हूँ इन पर, ठीक, ब्लैक, ओके, सेलेक्ट, ग्रे, बाकी सबको सेलेक्ट करके आप ग्रे डाल दो, सबको सेलेक्ट करके, देन ग्रे, ओके, ठीक। फ्रंट फेस पे हम ब्लैक डाल देना, ब्लैक, ओके। तो यहाँ पे ये देखो सिंपल आपका एक मॉडल मोबाइल का तैयार हो गया, ठीक। मोबाइल का मॉडल हो गया, देन इसके बाद फिर आपको इसका चार्जर चाहिए। तो चार्जर के लिए आप क्या करोगे, ये बटन्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ, डिलीट, डिलीट, सेलेक्ट, आर के साथ इंक्रीज साइज, साइज इंक्रीज, एक इधर चला गया आपको वॉल्यूम, शिफ्ट के साथ इधर वॉल्यूम, वॉल्यूम के बटन्स दोनों आसपास ही होते हैं, पावर बटन थोड़ा सा दूर होता है, ठीक। ये आ गया आपका पावर बटन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आ गई आपकी, ये प्रॉपर आपका एक मोबाइल का मॉडल बन गया, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद फिर ये देखो यही फ़ायदा होता है आपका अलग अलग लेने का, कि इस पर मैंने आराम से ईजिली दूसरा कलर डाल दिया, इस पर मैंने दूसरा कलर डाल दिया। अगर यही सेम होता तो ये चीज़ करने में मुझे दिक्कत होती, ठीक है।